ब्रो भाई बर्रा तसियो भाईजान, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन हंटर्स ऑफ द एंशिएंट। एंड ये बहुत पुराना रोम है, आई नो, एंड ये अभी कंप्लीट भी नहीं है, बीटा में है, बट या लेट्स जस्ट ट्राई इट एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या होता है भाई। 1M सब सर्किट बोर्ड, आई डोंट थिंक हमको इसका यूज पड़ेगा इसमें, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कंट्रोलर्स तो है ही। ओके सो लेट्स सी। अरे भाई ये सब इंस्ट्रक्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम चालू करते हैं। ओके राइट डिसीजन, तुम्हारे पार्टिसिपेशन पे हमें गर्व है। वेलकम टू टीम रॉकेट, मेरा नाम है जियोवानी, मैं हूँ मास्टर टीम रॉकेट का, और हमारा टीम गोल रखता है कि हम दुनिया के सारे पोकेमॉन्स को पकड़ सकें। कुछ लोगों के लिए पोकेमॉन सिर्फ पेट्स हैं और कुछ इसको बैटल में इस्तेमाल करते हैं। ओके ये सब तुमको पता है कि कुछ बैटल्स में इस्तेमाल करते हैं, कुछ ये वगैरह वगैरह। ओके लेकिन फर्स्ट तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ, जैसे कि तुम एक मेल हो या लेडी। ओके मैन हो या लेडी, सो ऑफकोर्स मैं मेल हूँ, मैं मेल हूँ, समझे कि नहीं भाई, कमेंट करके मतलब या समझता हूँ मैं, ज़्यादातर गेम में मैं फीमेल कैरेक्टर लेता हूँ, बट या मैं मेल हूँ यार, अभी मैं मेल लेने वाला हूँ, तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ओ एंड और तुम्हारा नाम, ओके सो यहाँ पे हम लोग अपना नाम टाइप कर लेते हैं, मेरा नाम है रोहन, एंड यहाँ पे जस्ट हम लोग नाम टाइप कर लेते हैं अपना। कभी KBC में अगर आ गया कि पोकी गेमर का नाम क्या है तो तुम बता सकते हो भाई, तुमको पता चल गया। ओके मैं समझता हूँ तुम रोहन हो ना, यस ऑफकोर्स हम रोहन ही है। ओके बट ये कौन है? ये है हमारा दूसरा आदमी, ये बहुत ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर है। ओके तो मतलब मेरा राइवल है साथ से, तो इसका नाम मैं क्या दूँ? फिलहाल तो मेरे मन में कोई निकनेम है नहीं जो मैं राइवल को दूँ, एंड या सिड थोड़ा सही नाम लग रहा है, सिड दे दे क्या? और तो मुझको नहीं लग रहा, किर्क या फिर सिड, सिड ही सही है यार, सिड सही है, चल ठीक है। क्या ये सिड था? दैट्स राइट, नाउ आई सी इट। ओके चल ठीक है, तब तेरे को ठीक दिखने लग गया रोहन। या हम लोग सीधा जर्नी पे चलते हैं अपनी, एंड हम लोग बनेंगे टीम रॉकेट की प्राउड, सी टीम रॉकेट की शान ऑफ कोर्स भाई, टीम रॉकेट की शान क्या गद गिर गई है हमारी। ओके चल ठीक है, हम लोग बेस में आ गए, लेकिन सबसे पहले हमको टेक्स्ट की स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होती है यार, हम लोग सीधा फास्ट कर लेते हैं, एंड यही क्लिक करना रहता है ना इसके बाद, मैं भूल गया यार, ज़्यादातर गेम में मैं करता नहीं हूँ। ओके चल ठीक है, जियोवानी यहाँ पे, लेट्स सी भैया जियोवानी अब हमसे क्या बोलता है। ओके मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुम यहाँ आए, जैसा कि तुम्हें पता है केंटो के आर्कोलॉजिस्ट कुछ डिस्कवर किए हैं शॉकिंग। क्या डिस्कवर कर दिया यार? ओके पोकेमॉन वर्ल्ड का एट ट्रेजर्स। व्हाट एट ट्रेजर्स? एट खजाने आई थिंक सो। ओके वो एक्सपोज कर सकते हैं पोकेमॉन का सीक्रेट और किसी को रूलर बना सकते हैं दुनिया का, सो ऑल द आर्टिफिक्स विल बी टीम रॉकेट्स। भाई हमको मतलब आर्टिफिक्स लाना है जो कि वहाँ पे वो ढूंढा गया है। तुम्हारा नया ऑब्जेक्टिव, वो आर्ट आर्टिफैक्ट्स दिए गए हैं कैंटो के 8 डिफरेंट फेमस पोकेमॉन ट्रेनर्स को। ओके मतलब पोकेमॉन ट्रेनर्स उसको प्रोटेक्ट करेंगे ना, वो उनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उन आर्टिफैक्ट्स को पकड़ना और यहाँ लाना। आई नो तुम इसको कर सकते हो, तुम सक्सीड कर चुके हो बहुत सारे अदर थिंग्स में बिफोर। तुम रोहन कंसिडर करो इसको एक ग्रेट चांस के रूप में, और तुम खुद को प्रूव कर सकते हो इससे। Go and make Team Rockets proud. Okay, तो हमको Team Rocket की शान बनना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? Okay, चलो ठीक है, पहले यहाँ पे आदमियों से बात कर लिया जाए। Boys, बताओ भैया। ओए, legends के अनुसार वो 8 खजाने मिलके एक legendary Pokemon को appear कर सकते हैं। Legendary Pokemons? हम सब Team Rocket के नए members हैं। चल ठीक है भाई, तू नया member है, यहाँ पे एक मोहतरमा भी है। उन ट्रेजर्स को कलेक्ट करना सही में हार्ड होने वाला है। वो तो होगा ही भाई, तू बता। जल्द ही टीम रॉकेट पूरी दुनिया को ऑर्डर देगी। हाँ वो तो बाद में देखा जाएगा, कहीं बॉस खुश होकर मुझे ही बॉस बना दे, मतलब मुझे थोड़ा परमोशन दे दे। और भैया आप बताओ, मैंने सुना है कि इस बेस के अगल बगल एक पोकेमॉन लैब है। लैब्स? शायद हमको वहाँ से पोकेमॉन्स मिल जाएं। और इनका क्या कहना है? अच्छा चलो ये मेरे पोकेमॉन्स हील कर देगी अगर हमको पोकेमॉन मिला, तो अभी तो मिला ही नहीं है। ये है बक्से भरे हुए टीम रॉकेट के सूट से जो कि हम लाए थे उनके लिए। ओके मतलब मेरे ख्याल से हमारा यहाँ काम हो गया है, बाहर में भी थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ हमको जाना है, कोई लैब बोला ना उसने बगल में है। ओके ये छिपने का कुछ अच्छा जगह है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक मुझे ये प्रोफेसर दिख रहा है, मुझको लग रहा है ये कुछ अच्छा कहने वाला है।
नए टेक्नोलॉजी के साथ लोग स्टोर कर सकते हैं पोकेमन और आइटम्स को पीसी में। मैं उनको हैक कर सकता हूँ टीम रॉकेट के लिए। भाई चारों ओर सिर्फ क्राइम की बातें, मतलब क्या बोलूँ मैं। एंड जो जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो तो अलग ही जोश में। चल ठीक है, फिलहाल के लिए हमको जाना कहाँ पे है? पोकेमन का लैब हो किधर सकता है? इधर से हम नीचे गए तो ऊपर आ ही सकते होंगे, मतलब लॉक तो कहीं नहीं होगा अगर गलत रास्ता है ये तो। ओके तो इधर ही चल के देखते हैं भाई। एंड लेट्स सी, पता नहीं मुझको कहाँ जा रहा है। एंड ये कछुआ के स्पीड में भाई जा रहा है यार, मुझको स्पीड बढ़ाना तो नहीं चाहिए। देखो बढ़ाता मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यार साउंड घट जाता है। ओके एक मिनट। वेलकम, तुम्हारे पास क्या कोई पोकेमन है? नहीं भाई मेरे पास कोई पोकेमन नहीं यार, गरीबी की हद पार कर दी हमने। मेरे पास भी नहीं है तो डेट्स ओके। यहाँ पे अगल बगल में एक पोकेमन लैब है। अच्छा हाँ उसने भी तो बोला था। एनीवे मेरा नाम सिड है, हमारा राइवल भाई, मिल गए हम दोनों दोस्त, चलो बाजार। ओके चलो ठीक है, हम लोग को पोकेमन चोरी करने जाना है पहले टर्न में। व्हाट, मैं तो भूल ही गया यार, हम लोग टीम रॉकेट है ना, हमको पोकेमन चोरी करने जाना है। ओके सो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से हमको इधर जाना है कि उधर जाना है भाई। एंड ग्रासेस में अगर हम जाएँ तो क्या होगा? मैं नहीं जा सकता जब तक मेरे पास पोकेमन नहीं है। ओके सो मैं इधर से ही चलता हूँ। आई डोंट नो मैं किधर जा रहा हूँ भाई, ग्रासेस में तो हम नहीं जा रहे हैं। ओके मुझको लिटरली नहीं पता चल रहा मैं किधर जा रहा हूँ। पहुँच भी गए यार, चल ठीक है, मतलब मैं सही था। ओके ये फिर आ गया, लेट्स सी बॉडीज। ओह तुम यहाँ आ गए जैसा कि मैं चाहता था, वो लैब जो मैंने मेंशन किया था यहाँ पे, लेट्स गो। ओके सो चलो लैब में चलते हैं, पोकेमन चोरी करते हैं भाई। पुलिस शायद हमको नोटिस कर ले इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, कम ऑन। ओके तो चलो ठीक है, पुलिस से बस बच के रहना है हमको। क्या बोल रहा हूँ मैं, टीम रॉकेट तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। अपने मुंह को बंद रखो और यहाँ इंतजार करो, हिलो मत नहीं तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। भाई डायलॉग तो गजब गजब ही मारता है। ओके कम ऑन नाउ, चलो चल के देखते हैं भाई कहाँ से हमको कैसे पोकेमन चुराने हैं। मुझे अपने पोकेमन दो जल्दी, मेरे पास गन है। दूर रहो, मेरे पास कोई भी पोकेमन देने के लिए नहीं है। भाई वहाँ तीन तीन पोकेबॉल क्यों रखे हुए हैं, गजब बात है। रोहन एक पोकेमन चुनो वहाँ से टेबल पे, जाओ भाई। कौन सा पोकेमन चुने? ओके यहाँ पे फायर रेड का रोम हैक था ना, तो यहाँ पे तुमको ये कैंटो के स्टार्टर्स मिलेंगे। वेल मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस गेम में बल्बसॉर ले लूँ। आई डोंट नो पहले मैं गेम कंप्लीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मुझको नहीं पता, ठीक है, तो मैं बस इसको ट्राई करना चाहता था। ओके चलो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं। ओ भाई ओ तुमने अपना चॉइस बना लिया, हूँ चलो वापस चलते हैं बेस की ओर, अपने हाथ ऊपर करो। अरे भाई पुलिस आ गई। भाई क्या होगा हमारा, डैम इट, वो पोकेमन इस्तेमाल करो जो तुमने पहले चुराया था, भागो। नहीं हमको भागना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, हमको पहले बैटल करना नहीं से, भाई तुरंत मैं बैटल हमें हरा दूंगा, मतलब क्या दिक्कत है यार, मतलब क्या ही बात है। ओके चलो ठीक है, वो भाई इतना इजी था मुझको लग नहीं रहा था, मुझको लगा कम से कम थोड़ा रेड रेड पे तो एचपी जाएगा। भाई मेरा 17 बाकी ही है, चलो कोई बात नहीं, हमारा ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं फिलहाल के लिए, अब तो हम भाग सकते हैं, लेट्स रन भागो। चलो ठीक है हमको फिलहाल वहाँ जाना ना, चलो चलते हैं बेस की ओर। या ऑफ कोर्स हमको बेस की ओर ही जाना है। एंड चलो चल के देखते हैं भाई कि क्या क्या हमको करना है। वैसे तो यहाँ रास्ता बहुत लंबा है और ये कछुआ के स्पीड में चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्पीड अप थोड़ा कर दूँ ताकि तुम बोर ना हो। भाई ये स्पीड अप करने के बाद मुझसे कंट्रोल ठीक से होता नहीं है क्योंकि मैंने सीधा अनलिमिटेड पे स्पीड कर दिया भाई। ओके मैं कोशिश करूँगा कि मैं ठीक से पार कर पाऊँ। ओके क्योंकि बात करते समय ना फिर कई और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, दोनों काम ठीक से करने में मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ ऑफकोर्स। ओके चलो चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे ख्याल से हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यस ऑफकोर्स यहाँ पे ये हमारा बेसी है ना, ऑफकोर्स बेसी है। ओके मैंने हर चीज़ टेक्नीशियन को बता दी है और अब वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके टेक्नीशियन अंकल बताओ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक पोकेमन आ गया है, डेट्स ग्रेट रोहन एंड सिड, ड्यूरिंग योर जर्नी यू विल नीड टू स्टार्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट। क्या वो ये क्या है? देख इंसाइक्लोपीडिया मतलब पोकेडेक्स, ऑफकोर्स ये पोकेडेक्स ही है, तो ये हमारा जो इनकाउंटर होगा उसका डेटा सेव करेगा और तो कुछ है नहीं भाई। तो मेन चीज़ बताओ, यहाँ से पोकेडेक्स लेने आए थे हम, कहीं और नेक जाना होगा। दूसरा वाला मेरा है। ऑफकोर्स भाई यहाँ दो ही पोकेडेक्स है, दो ही आदमी है, तो दोनों को मिलेगा ही ना, तो ये बोलने की क्या जरूरत। चलो ठीक है। ओके प्रोफेसर बताओ। रोहन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मिशन कंप्लीट करोगे। अब देखो मैं कुछ बोल नहीं रहा कि मैं कंप्लीट करूँगा कि नहीं, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं एक बार, बट ये पोकेडेक्स वाला मिशन मुझको अच्छा नहीं लगता, मैं सही बता रहा हूँ। ओके चलो ठीक है, हम लोग फिलहाल यहाँ से मूव करते हैं। हमको जाना किधर है? आई डोंट नो इधर जाना है कि उधर जाना है।
ओके बॉयज, वहाँ पे मुझको कोई रास्ता तो मिला नहीं, बट मेरे ख्याल से यहीं पे रास्ता होना चाहिए, क्योंकि उधर साइड जो ग्रासेस थे ना उनको हमने चेकआउट किया नहीं था, क्योंकि उस वक्त हमको जाने मिल नहीं रहा था। बट या अभी हम लोग जा सकते हैं, तो या चलो चल के देखते हैं, शायद से नेक्स्ट मतलब मिशन या रूट वहीं से खुले। सीक्रेट पाथ, वहाँ पे सीक्रेट वोट था, सीक्रेट जंगल एंड यहाँ पे सीक्रेट पाथ। ओके बॉयज, यहाँ से सीधा चलते हैं, क्योंकि उधर साइड तो वो पैलेट टाउन है। ओके, तो माइट भी रास्ता इधर साइड ही होना चाहिए, आई डोंट नो, बट या लेट्स जस्ट चेक इट आउट। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे ये कछुए वाले स्पीड का कुछ करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, यहाँ पे एक ग्रंट है, आई डोंट नो ये क्या कह रहा है। तुमको हर बार पोकेमॉन्स को चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम उसको पोकेबल से कैप्चर कर सकते हो, वाइल्ड पोकेमॉन्स को ऑफकोर्स। तो अच्छा, पोकेबल्स भी तू दे रहा है, बहुत अच्छे भाई, थैंक यू वेरी मच तेरा। तो क्या भी बोलो, वैसे तो हम किसी पोकेमॉन को अभी कैप्चर नहीं करने वाले, क्योंकि शायद से यहाँ पे कितने ही अच्छे पोकेमॉन मिलेंगे। भाई ये खत्म हो गया रास्ता, आई डोंट नो भाई, या कोई और रास्ता है क्या यहाँ से, आई डोंट नो, बट ऊपर साइड से तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो शायद नीचे साइड से हो। भाई मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे तो तुम बोर हो जाओगे यार, एंड मेरे ख्याल से इधर साइड, हाँ इधर साइड रास्ता है। चलो ठीक है भाई, यहाँ से हम चल के देखते हैं कि क्या होगा। रूट वन, ओके, तो रूट वन में पास करके देखते हैं भाई। ये लंबा मतलब घुमावदार है पूरा, मेज टाइप का। हाँ इधर सिटी था क्या, एक मिनट, ये पैलेट टाउन है ना। अरे यहाँ पुलिस है भाई, भागो भागो भागो, यहाँ से ही तो हम पोकेमॉन चुरा के भागे थे भाई। चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं, मेरे ख्याल से हम पहुँच चुके हैं ना। अरे यहाँ पे ये है मार्ट वाले अंकल जी, ऑफकोर्स ही, मैं पोकेमॉन मार्ट में काम करता हूँ, मुझको पता है आप पोकेमॉन मार्ट में काम करते हो एंड वहाँ पे बहुत सेलिंग आइटम्स करते हो, जो भी करना है आपको विरिडियन सिटी है ना, मतलब अगल बगल विरिडियन सिटी है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक पोशन मिल चुका है, पोशन का क्या यूज़ करेंगे फिलहाल, मतलब यूज़ करेंगे बट अभी नहीं करेंगे, बट फिलहाल के लिए वहाँ पोके सेंटर में हमको जाना है, क्योंकि गेम हमेशा हम वहीं सेव करते हैं एंड वहाँ पे हमको नर्स जॉय मिलेगी यार, मतलब नर्स जॉय को देखे बिना कोई भी गेम हमारा कैसे पूरा होगा। ओके चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं एंड लेट्स सी, वैसे नर्स जॉय होगी ना पोकेमॉन सेंटर में, अब वो सोनी तो चाहिए भाई। भाई कोई मुझे रनिंग शूज ला के दो, नहीं तो मैं 2x पे खेलूंगा, चाहे साउंड कुछ भी है यार, नहीं तो इतना धीरे धीरे ये चलता है। ओके नर्स जॉय है, नर्स जॉय, मैं तुम्हारी तरह गंदे लोगों के पोकेमॉन्स को हील नहीं करती। क्या लेकिन क्यों? टीम रॉकेट तुम्हें चुकाना होगा, तुमने मेरी नर्स जॉय को मुझसे दूर किया ना, तुमको इसका बदला जरूर चुकाना होगा।